देखिए, स्काईलार्क समूह जो है वो एक किसान से जुड़ा हुआ समूह है, तो दाम अच्छे मिलेंगे ना ला के देंगे। हमारी ये कोशिश है कि भाई किसान को उसका उचित दाम मिले, कम समय में काम मिल जाएगा और खाद वाद की भी व्यवस्था मिलेगा। पहला भाव हमने दिया था 4811 रुपए दिया था, जो मंडी का उच्चतम दाम है। पहला 40 किलोमीटर हाँ ना 60 पड़े के आगर व्यवस्था इनके पास, पहले माल ग्रेडिंग, अब माल लेके बता देंगे भैया ये भाव है। मैक्सिमम 10 मिनट किसान को लगेंगे यहाँ से फ्री होने में। हम भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर दूर में हमारी यहाँ मंडी है, अगर भाव मिले तो हम क्यों जाएं मंडी पे। किसानों की राह में आने वाले बाधाएं दूर होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हर भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। यहाँ पर जितनी बचत होगी हम उसको 100% किसान को पास करेंगे। 30 ट्रॉली एक साथ एक घंटे में खाली हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के तराना विधानसभा के जलारा में हूं और यहां पर यहां आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं, ये किसान पहुंचे हैं। दरअसल यहां पर एक स्काईलार्क प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आज यहां पर एक सोयाबीन खरीदी केंद्र खुला है। जितेंद्र देसवाल MD हैं इसके, हम उनसे ही बातचीत शुरू करते हैं। सब आज जिस प्रकार से एक के खरीद केंद्र आपने खोला, एक ये बड़ा कदम होता है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, स्काईलार्क समूह जो है वो एक किसान से जुड़ा हुआ समूह है, किसानी खेती से जुड़ा हुआ समूह है। तो हमने जो यहाँ पर ये केंद्र खोला है, अभी जो सोयाबीन खरीदी केंद्र खोला है, तो हमारी ये कोशिश है कि भाई किसान को उसका उचित दाम मिले, जो भी फैसिलिटी किसान को चाहिए, जो उसको खाद चाहिए, दवाई चाहिए, हमें आने वाले समय में सारी चीज़ें वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, किसान को यहाँ पर आकर अच्छे रेट मिलेंगे, उसका समय बचेगा, जिससे कि उसको भी फायदा होगा और हमारे को भी फायदा होगा। भाई जो मंडी से आज के दिन मतलब टाइम लगता है आने में, कई बार ठीक है कि भाई 100% यहाँ पर नहीं आ पाएंगे किसान, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो यहाँ पर आए, उनको उचित दाम मिले और सबसे बढ़िया मतलब जब किसान यहाँ लेके आएगा, क्योंकि उनके पास खरीद केंद्र पहले से हैं, सरकारी खरीद केंद्र हैं, उनको यहाँ आने में फ़ायदा किस प्रकार से होगा? देखिए, बेस्ट दाम जो मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा रेट मिलेगा उनको और बहुत अच्छी मतलब जो क्वालिटी है, जो उनके क्वालिटी है उसी के हिसाब से उनको उसका बेस्ट दाम मिल पाए और जो टाइम की सेविंग होगी वो उनके लिए मेन चीज है। जो सारा समय उनका बचेगा वो अपने परिवार के साथ और अपने काम में, अपने किसानी में, जहाँ पर भी लगाए। हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। स्काईलार्क ने जिस प्रकार से देश भर में अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में नाम कमाया, तो हम मान के चलेंगे सोया के क्षेत्र में भी ये बढ़ते कदम है। जी देखिए, सोयाबीन में भी हम कोशिश करेंगे भाई, हम अभी तक जितना सोयाबीन हम बना रहे हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमने बनाया है। और जैसे पहले स्काईलार्क ने अपना नाम कमाया है, ऐसे ही इसमें भी हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और उससे भी मतलब बेस्ट क्वालिटी इंडिया में नहीं खाली, देश और विदेश में उसका प्रोडक्ट जाए और अच्छे से उसको मार्केटिंग हो पाए। जो किसान यहाँ पहुँचे हैं वो इस सोयाबीन खरीद केंद्र को लेकर के क्या सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सब आप एक किसान हैं और जिस प्रकार से ये केंद्र यहाँ पर खुला है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, फ़ायदा होगा क्या होगा? लाभ होगा ना इससे। कैसे लाभ होगा, क्या क्या लाभ होगा इसमें? एक तो दाम अच्छे मिलेंगे ना ला के देंगे, और कुछ सुविधाएं जो भी प्राप्त होना है यहाँ से वो भी मिलेगी, खाद बीज वगैरह की सभी गारंटी ले रहे हैं आप भाई साहब, तो वो सुविधाएँ भी हमें मिलेगी और समय पर सब चीज़ का उपलब्ध हो जाएगी, ये सबसे बड़े आपके पास में मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या? आप कहाँ से आए हैं साहब? अमरनारा से आए साहब। आपको क्या लगता है ये जो खरीदी केंद्र खुला है? ये केंद्र खुलियो तो कम समय में काम मिल जाएगा और खाद वाद की भी व्यवस्था मिलेगा, तो भाव भी बेस्ट मिलेगा, यह व्यवस्था है साहब। और कहीं तो ये ठीक रहेगा, कुल मिला आनंद रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया है। और कहीं चाहिए अब 4 किलोमीटर पे केंद्र जो खुली गया तो आनंद है, और कहीं भाव भी अच्छा मिले। पहले कितने किलोमीटर जाना पड़ता था? पहला 40 किलोमीटर हाँ ना 60 पड़ेगा आगर, तो ये तो बीच में हमारे 10-10 किलोमीटर पड़ेगा।
आनंद भैया और कहीं पास नगद दाम नगद भी तो नगद मिल ही दिया जाना वहाँ मर जाए पर दाम अच्छा मिलेगा ने। हाँ आप क्या कहेंगे आज जो ये खरीदी केंद्र खोला गया है यहाँ पे? ये तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से आएंगे माल लेने और उसके बाद ये व्यवस्था इनके पास, पहले माल ग्रेडिंग अब माल लेके बता देंगे भैया ये भाव है, अगर हमें पूरेगा तो देंगे ना, तो हम उज्जैन जाएंगे मंडी। अगर उज्जैन से अच्छा भाव यहाँ मिलता है तो इससे अच्छी बड़ी बात नहीं है कि हम 550 रुपये के भाड़े में आ जाएंगे, हमें वहाँ 500 लगाने पड़ते हैं उज्जैन और वो भी बचत हो जाएगी। हाँ वो बचत हो जाएगी, उसके बाद वहाँ लाइनें लगती है कम से कम 12-15 घंटा में हम घर आते हैं और अन्य खर्च भी होता है हमारा वहाँ पर, उससे अच्छा है कि अगर यहाँ पर अगर हमारा माल खरीदा जाता है तो बड़ी हर्ष की बात है हमारे लिए। आप क्या देखते हैं? हम भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर दूर में हमारी यहाँ मंडी है, अगर भाव मिले तो हम क्यों जाएं मंडी पे? मंडी में जाते हैं, मंडी में भाव चढ़ा बढ़ा के देते हैं, जहाँ तुलाई करते हैं वहाँ जाके बोल देते हैं कि 200 रुपये कम मिलेंगे, तो उससे अच्छा तो यही है ना। माकड़ोन में हमारे भाई की मंडी गई थी, ट्राली गई थी तो वहाँ 200 रुपये उतार दिया, बोले ये तो कम में है भाव, बोले तो उससे तो अच्छा ये अपना पास वाला काम है और घर का काम भी देख लें। बिल्कुल भाई, हाँ सही बात है। कुछ और हैं, कुछ युवा किसान भी आए हैं, आप कैसे देखते हैं भैया इस सारी चीज़ को जो ये खरीद के अंदर यहाँ पे खुला है? हाँ सर नमस्कार, मैं आदिल शेख, मैं केसवाल से रहने वाला हूँ। मैं किसानों की जो बात है दो शब्द में कहना चाहता हूँ, किसानों की राह में आने वाले बाधाएं दूर होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हर भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। भ्रष्टाचार से लेके ये बोलता हूँ कि इसका अलग प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो भ्रष्टाचार जो चल रहा था, जैसे दलालों के बीच में जो मंडियों में जाता है जिसमें 11 दलाली होती है, जिसमें पानी मिलावट होता है, उससे हम क्या है माल कम भाव में बेचते हैं और व्यापारी अधिक माल में उसको मिलावट करके कंपनी को सप्लाई करते हैं। तो जो इसका अलावा प्राइवेट लिमिटेड ने जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो संबंध बनाया है जो किसान से, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जिससे हमें जो 5500 का जो सोयाबीन था वो हम डायरेक्ट 6000 या 6600 में बेच सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा भी है, जो इन्होंने सोयाबीन के बाद जो खाद की जो बात की है, जिससे हम खाद वितरित करेंगे उस खाद से भी हमें बहुत लाभ मिलेगा, जिससे डायरेक्ट हम कंपनी से खरीदी कर सकते हैं, जिससे हमें दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। इसी बात पे मैं प्राइवेट इसका अलावा प्राइवेट लिमिटेड से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिसने हमारे सहयोग किया। बिल्कुल, आज जिस प्रकार से सोया खरीद केंद्र खोला गया, किसान पढ़े लिखे हैं समझ रहे हैं इस बात को कि अगर मंडी जाते हैं तो उसमें खर्च ज़्यादा पड़ता है, ये पास की पास खेत में आई और वहीं के वहीं उन्होंने फसल डाल दिया और रेट भाव भी वही मिल भी जाए तो भी फ़ायदा होता है। खैर स्काईलार्क ने अभी वायदा इन लोगों से ये किया है कि जो खरीद के रेट होंगे वो पहले से ज़्यादा होंगे, यानी कि जो आम बाज़ार है उससे ज़्यादा खरीद करेंगे। पहली खरीद है इस खरीद के अंदर की जो आज डायरेक्ट एंट्री करेगी। जितेंद्र जी, आज पहली जो खरीद की गई है, क्या भाव इसको दिया गया है और किसान कैसे उत्साहित हुए? जी देखिए, जो सबसे पहला भाव हमने दिया था 4811 रुपये दिया था, जो मंडी का उच्चतम दाम है। हाँ। जो फर्स्ट क्वालिटी 10 किलो मॉइस्चर और 0% मिट्टी और 0% डैमेज का। हाँ। तो जो अभी इनको किसान को दाम मिला है ये 4511 रुपये मिला है, ये 4 किलो मिट्टी का और जो भी क्वालिटी इनकी है जो पैरामीटर्स में आई है उसके हिसाब से इनको दाम मिला है। ठीक है, आप ही लेके आए हैं? अच्छा, आप मंडी लेके जाते थे और अब यहाँ लेके आए हो, कुछ फ़र्क महसूस हुआ है? फ़र्क है क्या? भाव में फ़र्क है। अच्छा, दूसरे खर्चों में? खर्चे बचता है, डीजल पानी खर्चा कम लगता है। हाँ। इसीलिए तो वो भी एक बचत ही हो जाएगी जी, ये माली के बच्चे पैसे बच जाते हैं हमारे। हाँ। ये माली लगती है। हाँ। ये अभी मैं किसानों से बात कर रहा था, किसान भी यही बात कह रहे थे कि हमें जब एक तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है मंडी में जब जाते हैं, दूसरी एक समस्या ये आती है कि वहाँ पर जो बीच में दलाली है, तो हम यहाँ मान के चले कि जो बीच में एक दलाली जाती थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, किसान को ही मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हमारी बचत होगी, जो हमारे को डायरेक्ट जितना हमारे को बचत होगी मंडी से जो हम लेते थे, यहाँ पर जितनी बचत होगी हम उसको 100% किसान को पास करेंगे, ताकि किसान को उसका बेस्ट भाव मिल सके। और अब किसान भाइयों को मैं इस कंपनी के द्वारा जो अनलोड किया जाता है, यानी कि फसल जो उतारी जाती है, उसकी एक प्रक्रिया दिखाऊंगा। ये एक रैक बनाया गया है यहाँ पर, नीचे आप देख सकते हैं पूरा एक रैक है। और अब मैं आपको अनलोड की जिस प्रक्रिया की बात कर रहा था, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही ट्राली खुलती है कि पूरी की पूरी जो फसल है इस रैक के अंदर अपने आप ही चली जाएगी और ना फसल दाएं बाएं फैलेगी, ना ख़राब होगी, ना किसान का नुकसान, क्योंकि किसान पहले ही अपनी तुलाई करवा करके अंदर ले आया। और ये पूरी की पूरी फसल अब आप इस रैक के अंदर जाते हुए देख सकते हैं कि इस प्रकार से
और टाइम आप देख लेंगे कि एक पूरी एक ट्राली को खाली करने में मात्र 2 से 3 मिनट का समय ही लगता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो घंटों इंतज़ार वहाँ पर करना पड़ता था, लेबर का इंतज़ार करना पड़ता था, अब वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और फसल कुछ ही अक्सनों में। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि अब तो 2 से 3 मिनट में अनलोड करो और निकल जाओ किसान। जी, जो मैंने आपको बताया था कि भाई समय बचाने की बात है, ये वहाँ से जब ट्रॉली पास हो गई, जब उनको प्रॉपर रेट मिल गया, तो वो सारा उसके बाद मैक्सिमम 10 मिनट किसान को लगेंगे यहाँ से फ्री होने में। जो फसल आएगी, जो ट्रॉली आएगी, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, जो ये चेन है इसकी 1 घंटे की स्पीड 120 टन पर आवर है। अच्छा। और एक ट्रॉली करीब 3 से 4 टन की आती है, तो 4 टन की अगर हम बात करें तो करीब 30 ट्रॉली एक साथ 1 घंटे में खाली हो सकती है। तो एक ट्रॉली को आप देखिए कि भाई अगर एक ट्रॉली खाली होनी है तो उसको हार्डली 2 मिनट का समय चाहिए खाली होने के लिए। बिल्कुल, अब वो जो मैं बात कर रहा था आपको, नीचे क्या बोलते हैं इसको, चेन कन्वेयर बोलते हैं जी। नीचे चेन कन्वेयर है, वो चल गया है और देखिए पूरी की पूरी जो फसल जा रही है उसको साथ के साथ आगे भेजने का काम ये शुरू कर दिया। पूर्णतः आधुनिक तरीके का ये एक सेंटर है जहाँ पर किसान आएंगे, ना अपनी फसल ख़राब करेंगे, ना इंतज़ार करेंगे, ना पशु आएंगे, ना कोई उसको खाएगा, ना चोरी होने का डर, ना कुछ। किसान फसल अपनी खेत से लेके आए, सीधा तुलाई करे और अनलोड करके अपना घर चला जाए। काफ़ी आधुनिक तरीका है। आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक किसान की ट्राली खाली होती हुई यहाँ पर दिखाई। अब मैं आपको ये ट्रक दिखाऊँगा। ये बाहर से जब खरीद करके आया जाता है, ये इस प्रकार से ट्रक भर के आते हैं और सारे के सारे जिस तरीके से वो ट्राली यहाँ पर उतरी थी, इसी प्रकार से ये ट्रक भी यहाँ पर खाली किए जाते हैं। यानी कि समय की बड़ी बचत है। मशीनी युग है, मशीनी युग का आधुनिक समय है, तो मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रकार से जो कंपनी है फास्ट काम करती है। खैर, आप लोग जो ये केंद्र खुला है इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कितना आप इससे फ़ायदा मानते हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे सचिन के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।